नैतिक समाज। समाज का हमारा एक कंपाउंड का जो चैप्टर है बच्चों, नैतिक समाज, इसके बारे में भी जानते हैं। जिस समाज के पूर्व पर में निषेध सूचक शब्द, मतलब नकारात्मक, निषेध सूचक मतलब नकारात्मक, जैसे अकारण इस तरह से समझ लीजिए, अनभिज्ञ या ना निगेटिविटी यहां पर शो करेगा, या गैर जमानती का गैर जमानती इस तरीके से प्रयोग करते आदि, अगर ऐसा हो ए लगे मुंह पूर्व पद में निषेधात्मक सूचक, यदि पूर्व पद में समाज के निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द अ अन न ना गैर इत्यादि लगे हो तो वह नज समाज कहलाता है। अनावश्यक अयनन गैर वाजिब अच्छा आप देखिए तीसरा समास हमारे पास है मेन कोर्स का कर्मधारय। कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद का पद प्रधान हो और पूर्व पद पहले का पद और उत्तर पद दोनों बाद का पद, इसमें उपमान उपमेय, इसमें उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष संबंध तो ये कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष संबंध होना चाहिए। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कमल के समान चरण, धारणार्थ कमल के समान चरण, कमल चरण इस प्रकार का यह व्यवहार प्रस्तुत करेगा। कमल के समान चरण, चरण कमल परम है जो आनंद परमानंद। चौथा देखिए हमारे पास जो समास है द्विगु समास इसको बोलते हैं। अगला भेद, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। सात सिंधुओं का समूह
सिंधु का मतलब सागर होता है, सात सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु। तीन लोगों का समाहार त्रिलोक। तीन रंगों का समूह तिरंगा। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करा के फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप पढ़ रहे हैं समास कॉम्प्यूटर। समास या कंपाउंड नद समास में कि पूर्व पद में, जिस समास पद में पूर्व पद में निषेधात्मक सूचक शब्द या नकारात्मकता, विशेष सूचक या नकारात्मक शब्द आ, अन, ना, ना, गै आदि लगे हो तो वह कहलाता है नद समास। जैसे कि अनावश्यक, गैर वाजिब, इस प्रकार का यह प्रदर्शित करेगा। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कमल के समान चरण, तो चरण कमल ऐसा होगा। परम है जो आनंद अर्थात परमानंद। तो द्विगु समास की बात करते हैं। जिस समास पद का पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। द्विगु में क्या होता है? समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सात सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, तीन लोगों का समाहार त्रिलोक और तीन रंगों का समूह तिरंगा। यहां पर समूह या समाहार द्विगु में स्पष्ट प्रदर्शित होता है। हमने नद समास को पढ़ा, कर्मधारय समास को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल को देखा, द्विगु समास को पढ़ा हमने, इसके एग्जाम्पल को देखा। संख्यावाची लेकिन समूह का समाहार। अब इसके बाद आपका द्वंद समास। द्वंद समास क्या कहता है? जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और कौन सा शब्द है? और क्या आ सकता है? अथवा या क्या होगा? या भी आएगा और एक आता है एवं, मतलब और का भी ये प्रदर्शित करेगा। ये लगता हो, क्या करता हो? लगता हो, वो द्वंद समास कहलाता है। वह द्वंद समास कहलाता है। द्वंद समास क्या है बच्चों? जिस समास पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वो द्वंद समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हाइपन, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह हाइफेन का प्रयोग, ये इसकी विशेष पहचान है। योजक चिन्ह का हाइफेन का प्रयोग होता है इनके न
नदी और नाले एग्जाम्पल देख लीजिए, कहा जाता है नदी और नाले। अब इसका समास है नदी नाले, आइए हाइफन चिन्ह मतलब योजक चिन्ह यहां पर लगेगा नदी नाले। जैसे अपना और पराया, अपना और पराया यहां पर हो जाएगा अपना पराया, अपना पराया। तो नदी और नाले का नदी नाले, अपना और पराया का अपना पराया। इसी प्रकार से देखिए राजा और प्रजा का राजा प्रजा, राजा और प्रजा का राजा प्रजा, ये हाइफन का चिन्ह लग जाएगा मतलब योजक चिन्ह लग जाएगा, इसी प्रकार से प्रदर्शित होता है। अब देखिए छठा हमारे पास जो यहाँ पर भेद है बहुव्रीही, बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद ध्यान दें बच्चों, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तीसरे पद की ओर संकेत करें, यानी कि एक अलग अर्थ की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीही समास होता है, उसमें बहुव्रीही समास होता है। जैसे लंबोदर, आप देखिएगा यहां पर बहुत स्पष्ट, लंबोदर कैसे है, लंबा है उधर जिसका, यानी पेट, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। तो तीसरा जो इंगित कर रहा है किसके लिए, तीसरे पद की ओर संकेत, ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों, किसी तीसरे पद की ओर संकेत, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे लंबा है उधर जिसका, लंबोदर का क्या है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, गणेश जो है तीसरा पद है, यहां दोनों पद प्रधान है, कोई पद प्रधान नहीं है इसमें, लेकिन तीसरे पद की ओर संकेत। जैसे मृत्युंजय, काशी में महामृत्युंजय का मंदिर है, तो मृत्युंजय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले अर्थात मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात तीसरा पद क्या होगा, शंकर, शंकर जी का क्या नाम है, मृत्युंजय। तो मृत्यु को जीतने वाला अर्थात जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं, जैसे मृत्यु को जीतने वाला इसमें कोई प्रधानता नहीं, दोनों पद मिलकर, जैसे मृत्यु और जीतने वाला है दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, जैसे कि शंकर, मृत्युंजय का मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, तो शंकर तीसरा पद है, उसमें बहुव्रीही समास होता है। इज इट क्लियर। लंब उधर लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर जी, मृगेंद्र एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, मृगेंद्र मृगों का इंद्र, इंद्र का अर्थात राजा, इंद्र का सेंस क्या है यहां, मृगों का इंद्र मतलब मृगों का राजा अर्थात सिंह, तो जंगल का राजा कौन है, सिंह। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर मार्मिक हमने एग्जाम्पल लिया, मृगेंद्र मृगों का इंद्र, मृग और इंद्र दो शब्द कोई प्रधान नहीं, लेकिन सिंह अर्थात सिंह, तो यह बहुव्रीही समास की ओर परिलक्षित करता है। इस प्रकार से हमने सारे समासों को पढ़ लिया,
अब हम अब एक और आपको नज्य समास का एग्जाम्पल बता दें। नज्य के बारे में आप कब जानते हैं, नज्य समास का एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि नज्य समास में कौन कौन से आते हैं। नज्य आपने नया पढ़ा है, ज्यादातर हम ये सब पढ़ते हैं, अगोचर अचल, ध्यान दीजिएगा ये सब नज्य समास है। अजन्मा मतलब कि निगेटिविटी को प्रदर्शित करता था, ये पहला समास आज हमने आपको ये नज्य पढ़ाया था, इसको ध्यान रखिएगा। द्वंद समास, जिस समास पद के समास के दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो द्वंद समास कहलाता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे नदी और नाले, नदी नाले योजक चिन्ह लगाकर, अपना और पराया, अपना पराया, राजा और प्रजा, राजा प्रजा, यहाँ पर हाइफ़न चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह। लास्ट जो समास का भेद है बहुव्रीहि समास, जिस समास समस्त पद के कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर लंबा है उधर, जिसका आधार तीसरा पद गणेश, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, मृगेंद्र मृगो काइंद्र अर्थात सिंह मतलब शेर। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हमने समास पूरा कंप्लीट कर दिया, और भी जब टाइम मिलेगा हम आरएस के लिए और 15 नंबर के हिंदी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, हम लोग तेजी से रिवीजन करते रहेंगे। 60 नंबर का यूपी आरओआरओ का भी है, लेकिन ये हमारी 22 दिसंबर की परीक्षा है, 23 जून की परीक्षा के लिए 15 नंबर की हिंदी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने एक और सेक्शन खत्म कर लिया है, अलंकार भी हमने खत्म कर लिया, एक प्रश्न अलंकार से भी आरजीएस में कभी कभी आ जाता है, समाज का हो गया, इसमें भी एक दो क्वेश्चन बन जाएगा। बने रहिए, जमे रहिए, आप अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम जीडी पर, स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड स्टडी सच। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, हिंदी का हिंदी अनिवार्य समान हिंदी, हिंदू विकार, हिंदी व्याकरण, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, कॉम जीडी को सब्सक्राइब करें, कॉम जीडी फेसबुक पेज को फॉलो करें, विधि चर्चा कॉम्प्टेरिया।